दुनिया के कुछ ऐसे खूबसूरत देश जहाँ पर आप बहुत ही कम खर्चे में घूम के आ सकते हैं। कमाल की जानकारी देंगे, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नंबर वन, यदि आप कम पैसे में विदेश घूमना चाहते हैं तो वियतनाम आपकी पहली पसंद हो सकती है, क्योंकि इंडिया में आप चाहे कैसे भी हो पर वियतनाम में जाते ही आप लखपति बन जाते हैं। पैसा ही पैसा होगा। वियतनाम में भारत का 1 रुपए 31,527 वियतनामी डोंग के बराबर होता है। पर आपको बता दें कि वियतनाम घूमने के लिए भी एक कमाल की जगह है। वियतनाम में हर साल भारत से लाखों लोग घूमने के लिए जाते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। नंबर टू, यदि आप घूमने के लिए ज्यादा दूर नहीं जाना चाहते तो आप भूटान जा सकते हैं। भूटान भारत का ही एक पड़ोसी देश है जो कि हिमालय की पहाड़ियों में बसा है। भूटान घूमने के लिए एक बहुत ही कमाल की जगह है। बता दें कि भूटान घूमना आपके लिए इंडिया जैसा ही हो सकता है, क्योंकि भूटान की करेंसी और भारत की करेंसी लगभग सेम है। अच्छा, हमको सिखा रही है। नंबर थ्री, श्रीलंका। श्रीलंका घूमने के लिए काफी अच्छी जगह है जो कि भारत से महज 3 घंटे की दूरी पर है। आप चाहें तो श्रीलंका बहुत ही कम पैसों में घूम के आ सकते हैं, क्योंकि भारत का 1 रुपया श्रीलंका में 4 रुपए के बराबर होता है। नंबर फोर पर आता है इंडोनेशिया। आप चाहें तो इंडोनेशिया घूमने जा सकते हैं। इंडोनेशिया का सबसे खूबसूरत शहर बाली है जो कि घूमने के लिए काफी अच्छी जगह है। इंडोनेशिया घूमने के लिए तो काफी अच्छी जगह है, साथ ही आपके बजट में भी आराम से फिट हो जाती है, क्योंकि इंडिया का 100 रुपया इंडोनेशिया में 202 रुपया के बराबर होता है। नंबर फाइव पर आता है कंबोडिया। कंबोडिया घूमने के लिए काफी अच्छी जगह है। कंबोडिया में ही दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर अंकोर वाट का मंदिर है। यदि आप कंबोडिया जाते हैं और आपके पास 10,000 रुपए है तो आप वहां जाते ही करोड़पति बन जाते हैं। कंबोडिया में भारत का 100 रुपया 59,000 कंबोडियन रियल के बराबर होता है। यदि आप मेरी माने तो आपको कंबोडिया घूमने के लिए जरूर जाना चाहिए। अच्छा, हमको सिखा रही है।